वेलकम टू माई चैनल टीचिंग एंड स्टिचिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो जिन बहनों को बैक नेक जो है बनाने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है तो आपको जो है एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने जो है इस तरह से शोल्डर जो है वो अटैच कर लेने हैं, ठीक है। और जो फ्रंट का नेक है वो हमने पहले तैयार कर लेना है और फिर इसके बाद जो है हमने इसके शोल्डर जो है इस तरह से अटैच कर लेने हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है यहाँ तक जो है सिलाई लग गई है। अब हमने जो है इसकी मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लेना है जिस तरह से मैंने रखा है, ठीक है। इस तरह से हमने उल्टी कमीज़ को ही फोल्ड करके रखा है और यहाँ से हमने हाफ इंच का तकरीबन ये जो है निशान लगा लेना सीधा, ठीक है। और यहाँ से हमने जो है इसका ले लेना है ढाई इंच पर, यहाँ एक मार्क ले लेंगे और यहाँ से इसकी जो है लाइन को सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 15 से 16 साल की बच्ची का जो है ये मैं जो नेक बना रही हूँ। आप जो है बड़े साइज़ में भी इतना रख सकते हैं, ठीक है। तो जी, इस तरह से हमने जो है इसकी अंदर एक लाइन लगा लेनी है, 1 इंच की या 1.5 इंच की आप लगा सकती हैं। इस तरह से लगाते हुए इसको हमने हल्की सी इस तरह से शेप दे देनी है गुलाई में, ठीक है। इस तरह से हमारी जो है शेप आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर ऊपर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। तो जी, हमारी जो है ये वाली कटिंग हो गई। अब हमने जो है इस तरह से इसको ले लेना है और इसको खोल के रख लेना है। ये देखें, इस तरह से शर्ट को हमने उल्टा ही रखा हुआ है, ये आपको याद रहे। ये देखिए, इस तरह से ही हमने इसको नेक को बनाना है और इस तरह से हमने जो है 1.25 इंच की हमने जो है पट्टी कट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये पट्टी आए, तो आपने क्या करना है कि पट्टी जो है आपने ये जो कट करनी है इसको आपने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना, ठीक है। 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर जितना आप बारीक रखेंगे इसको, उतना ही ये आपकी जो है बहुत ही अच्छा जो है फिनिशिंग के साथ जो है नेक बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 1.25 इंच की पट्टी कट कर ली है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। 1 इंच और 2 पॉइंट हमने ज़्यादा ले लिया है। इस तरह से रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, आप जो है ज़्यादा कपड़ा हो तो इस तरह से भी इसको रखते हुए सीधा इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जी, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना है और हमारी पिछली वीडियोस भी जाकर देखें। हमने बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं और म्यानी में जो है कपड़ा लगाने का आइडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। आप जाकर देख सकती हैं तंग पजामे को किस तरह से खुला करेंगे। तो जी, ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ से अब इसको स्टार्ट करना है। ये देखें, नेक के साथ बिल्कुल हमने जो है हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से हमने 1/2 इंच का इस तरह से ऊपर इसके कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये तकरीबन एक पैर ही बनता है। ये देखें इस तरह से हमने जो है एक एक पैर की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और हल्के हाथों से आपने ये वाली सिलाई लगानी है। आपने इसको खींचना नहीं है, ना नीचे वाले कपड़े को ना ऊपर वाली पट्टी को, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपने खींचना नहीं, हल्के हाथों से ये वाली सिलाई लगानी होती है। अगर आप इसको खींचती हैं तो बाद में इसमें झोल आ जाता है और चुनट आ जाती है जब इसको फोल्ड करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि इसको जितनी भी सिलाई आपने लगानी है लगा लेनी है, उसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। बिल्कुल मामूली सा कपड़ा हमने जो है अंदर छोड़ना है। इससे क्या होगा कि फ़ोल्ड करते हुए हमें जो है कोई भी मसला नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा, ठीक है। यहाँ से हमने जो है तकरीबन थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है, ठीक है जी। इस तरह से हमने जो है कटिंग कर ली। अब हमने इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और आपका जो धागा है वो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। जो आपने सिलाई लगाई थी उसे थोड़ा सा पीछे रखते हुए ये देखिए इस तरह से हमने जो है कट लगाने हैं, ठीक है। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर वाली साइड पर एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है कि बहुत ही फिनिशिंग आती है और जो है इसके टर्न करने में बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प करता है। तो इससे जो है ज़्यादा जो है मेहनत नहीं आपको करनी पड़ती और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसकी एक सिलाई लगा लेनी है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए, आपने कपड़े को इस साइड पर टर्न करते हुए फिर इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी साइड पर हमारी जो है सिलाई आनी चाहिए, शर्ट वाली साइड पर हमारी ये वाली सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जी, यहाँ से अब हमने इसको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा वो कटिंग कर लेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से ये सिलाई तक, ठीक है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी। और फिर दोबारा इसको फोल्ड करेंगे। तो जी, इस तरह से हम जब दोबारा फोल्ड करेंगे इसको, बिल्कुल आराम से जो है हमारा ये टर्न हो जाएगा क्योंकि हमने जो ये सिलाई लगाई है उसकी वजह से, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा कपड़े को
करना नहीं पड़ेगा बार बार। ये देखिए आराम से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने जो है एक बार इसको हाथ के साथ ही ग्रीस बना लेनी है और इस तरह से करते जाना फोल्ड और इसके ऊपर जो है स्टिच लगाते जाना है। मैं आपको आराम आराम से समझा रही हूँ, जिन लोगों को नहीं आता वो गौर से देख लेंगे। देखिए आपने ये जो शोल्डर की सिलाई होती है इसको आपने बैक साइड पर रखना होता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको आपने सिलाई को फ्रंट साइड पर नहीं रखना, ठीक है। इस तरह से मोड़ते हुए इसको इसके ऊपर हमने इसको कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ तक इसकी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। तो इसकी जो है मैंने फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ कल शेयर किया था, पैनल डालने का तरीका। तो जो शर्ट के कपड़े में से हमने जो है 15 से 16 साल की बच्ची का फ्रॉक निकाला है, ये देखें इस तरह से इसके अंदर हमने जो है पैनल डाले हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकती हैं, कल की वीडियो में हमने ये वाली वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। तो जी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।